वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल इंडिया गठबंधन के सियासी धर्म संकट पर है। इंडिया गठबंधन की मुंबई में एक सफल बैठक हुई थी, उसके एक दिन के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल डीएमके के मंत्री ने कह दिया कि डेंगू मलेरिया की तरह सनातन का समूल नाश करना जरूरी है। हालांकि बाद में उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने की बात कही, लेकिन दक्षिण की राजनीति के बयान को बीजेपी ने उत्तर में धर्म का मुद्दा बना दिया। कांग्रेस पार्टी से लेकर लालू यादव तक से सवाल पूछे जाने लगे कि क्या भारत से सनातन का समूल नाश करने वाली पार्टी को उनका समर्थन है। इधर जिन्हें हिंदू वोट की फिक्र थी, वैसे कमलनाथ जैसे कांग्रेसी नेताओं ने भी फटाफट बिना देर किए डीएमके के बयान से खुद को अलग कर लिया। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जैसे कांग्रेस के नेता डीएमके के बचाव में उतरते हुए दिखाई देने लगे। उधर बीजेपी राजस्थान से लेकर बिहार तक सवाल पूछ रही है, क्या इंडिया गठबंधन के घटक दल साफ करें कि वो कांग्रेस भारत के हिंदुओं के साथ हैं या फिर वो उसके खिलाफ हैं। हिंदू वोट के चक्कर में ढेर सारे इंडिया के घटक दल पसुपेश में भी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि के बयान ने इंडिया गठबंधन को धर्म संकट में डाल दिया है, और क्या ऐसे बयानों से इंडिया गठबंधन को चुनावी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ेगा। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए स्टालिन मुंबई में फोटो खिंचा रहे थे। दो दिन बाद उन्हें स्टालिन के बेटे दयानिधि आइडिया ऑफ इंटरनल इंडिया यानी सनातन का उन्मूलन करना चाहते थे। फिर दो दिन बाद उसी इंडिया गठबंधन के मंच से लौटे लालू यादव रुद्राभिषेक कर रहे थे। धार्मिक विचारों के सम्मान के नुकसान पर सियासी फायदे का खेल तब शुरू हुआ जब इंडिया गठबंधन की कामयाब बैठक के दूसरे ही दिन दक्षिण भारत से सनातन पर आक्रमण हो गया। சகோதரி ரோகிணி அவர்களே, பொதுச் செயலாளர் திரு ஆதவன் தீட்சன்யா அவர்கள் உதயநிதி सनातन का उन्मूलन करने वाले सम्मेलन में शामिल थे तो उन्मूलन की बात करने लगे। उदयनिधि ने कहा कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का विरोध नहीं किया जा सकता, उसे खत्म ही कर देना चाहिए। डेंगू मलेरिया कोरोना का विरोध नहीं किया जाता, हमें सनातन को मिटाना है। बीजेपी को मौका मिल गया, हिंदू नरसंहार तक बात लेकर चली गई। बीजेपी से लेकर साधु संत धार्मिक संगठन सब सनातन पर हमले के खिलाफ खड़े हो गए। His mindset is as small as a mosquito and as dirty as malaria. रावण के खानदान के लोग हैं। The correct word for what Udayanidhi inferred yesterday is genocide. राज्य मंत्री आगे ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಇಂತಹ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು। सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए सनातन को खत्म करने के बयान का राजनीतिकरण तब और तेज हुआ जब इसे हिंदू हिंदुवादी और हिंदुत्व से जोड़ दिया गया। सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं इन लोगों ने। वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। बीजेपी ने सवाल उठाया तो इंडिया गठबंधन के घटक दल डीएमके नेता के बयान के बचाव में सफाई देने लगे। एनी रिलीजियन दैट डज नॉट प्रमोट इक्वालिटी इज नॉट अ रिलीजन अकॉर्डिंग टू मी। द आइडिया दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज कास्ट इनइक्वालिटी, इज हेगेमनी, इज ऑर्थोडॉक्सी। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ इन आवर सोसाइटी। अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी उधर क्यों हो रहा है? इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। दक्षिण भारत से आए बयान और मुद्दे पर बीजेपी उत्तर की सियासी फसल काटना चाहती है। शायद यही वजह है कि डीएमके के बयान पर लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस से सफाई मांगी जा रही है। दिस इज अ टेस्ट फॉर राहुल गांधी। ही हैज टू टेक अ डिसीजन दैट व्हेदर ही रेस्पेक्ट सनातन धर्म और नॉट। क्या हिंदू धर्म को खत्म कर देना ही आप महागठबंधन का एजेंडा है? सनातन धर्म को उसके खिलाफ जिस प्रकार का वातावरण, दूसरा विषाक्त वातावरण बना रहे हैं, इन सब लोगों का नाश हो जाएगा। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है।
स्टालिन के बेटे के बयान पर सियासत में भूचाल और इंडिया गठबंधन से सवाल के पीछे का एक सियासी सच ये भी है। 2019 में 49% हिंदू मतदाताओं ने पीएम मोदी को वोट किया था और इसमें देश के उत्तरी इलाके से 68%, मध्य भारत से 65%, पूर्वी भारत से 46%, जबकि दक्षिण भारत से सिर्फ 19% हिंदू वोट मिले थे। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वाले 52% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी इसी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए दक्षिण के सियासी दावों को उत्तर में उछाल कर इंडिया गठबंधन के भागीदारों के लिए धर्म संकट पैदा करना चाहती है। आज तक गौरव। उदयनिधि का बयान क्या इंडिया गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है? कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर हम यहां पर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, स्पोक्स पर्सन शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनोद बंसल जी, स्पोक्स पर्सन वीएचपी के जुड़ चुके हैं। जॉर्ज कुरियन जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अब्बास जी, आप डीएमके के समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत जॉर्ज कुरियन जी आपसे ही करते हुए, यह आइडिया ऑफ इंडिया है क्या सनातन धर्म का अपमान करना? एक के बाद एक जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं विपक्षी दल के नेताओं के, ये क्या दर्शाता है? बीजेपी कह रही है माफी मांगे और कांग्रेस अपनी स्थिति को साफ करे कि वो उनके साथ खड़ी है इस बयान पर या फिर उनको छोड़ रही है। बिल्कुल चित्रा जी, सबसे पहले नमस्ते आपको और शो में सभी मेरे साथी पैनलिस्ट को, आज तक की टीम को भी नमस्ते करता हूँ। सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस जो बयान उदयनिधि स्टालिन का आया है तमिलनाडु से, बिल्कुल भी निंदनीय है और जो शब्दों का चयन उन्होंने किया है बिल्कुल भी अपमानजनक चयन किया है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। इसे बिल्कुल भी इंडिया गठबंधन की ओर से देखा ना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जरूरत है कि इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर इंडिया की जो गठबंधन है उसको कॉर्नर करने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। और उनकी उपलब्धियों के बलबूते पर उन्होंने 2024 में इलेक्शन के और जाना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। ठीक है। और सब मैं ये भी प्रियांक खड़गे उनकी ओर से भी कुछ बयान दिया गया है, उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी आपके पास आते हुए, इंडिया गठबंधन के बड़े दलों ने किनारा कर लिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इन्हें भी सुन रहे हैं जॉर्ज कुरियन को, और इसके अलावा चाहे वो राजस्थान के सीएमओ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, सभी की ओर से एक सिरे से कहा जा रहा है ये उनका व्यक्तिगत बयान है और हम सब तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अजय आलोक जी, दोगली राजनीति की एक पराकाष्ठा होती है, जो पराकाष्ठा इन्होंने पार कर दी। पहले सनातन धर्म को कहा इसको नष्ट करना है, एनडीए को हराना नहीं है, सनातन धर्म को ही नष्ट करना है। इसका मतलब जितने हिंदू हैं सबको मार देना है, उसमें आप भी हैं चित्रा जी, मैं भी हूं, ये आनंद दुबे बैठे हुए भदौरिया हैं, ये सब हैं, मारे जाएंगे सबको। ये जेनोसाइड करना चाहते हैं क्या? और कौन है ये आदमी? मामूली आदमी नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कह रहा है कि सनातन धर्म को नष्ट करना है, और उसको सेकंड कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बेटा जो कि कर्नाटक में मिनिस्टर है, कि जिस धर्म में समानता नहीं उसको तो खत्म ही हो जाना चाहिए। ये कौन है? प्रियंक खड़गे। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें इसके इत्तफाक नहीं रखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल किसने भूले होंगे? समाजवादी पार्टी कहेगी कि हम सनातनी है। आरजेडी के मनोज झा कहते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारी त्रुटियां हैं, और वो सनातनी हो गए क्योंकि लालू जी जाके आज शिव मंदिर पे जल चढ़ा रहे थे। ये लोग एक के बाद एक एक वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए। और दूसरी बात, उन्होंने बोलते बोलते कोई बयान नहीं दिया, पढ़ के बयान दिया है। पढ़ के बयान देना मतलब कि पहले ड्राफ्ट तैयार किया होगा। अरे वो तो गए ही थे, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने के लिए गए हुए थे। कार्यक्रम का नाम ही था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, उसमें शिरकत करने के लिए गए हुए थे। तो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम तो पहले किसी, अगर मान लीजिए इस देश में कार्यक्रम होने लगे, इस्लाम उन्मूलन कार्यक्रम, ईसाई उन्मूलन कार्यक्रम, सिख उन्मूलन कार्यक्रम, जैन उन्मूलन कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम इस देश में होने लगे और देश का और प्रदेश का डिप्टी सीएम या मिनिस्टर उसको एड्रेस करने लगे, तो इस देश की व्यवस्था क्या हो जाएगी? इसकी जस्ट सोचिए कि कितनी गंभीर बात है ये। और इसी देश में रह के आप हिंदू धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं हो रहा है, ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता है।
अगर औकात है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ औकात है, तो जरा ईसाई धर्म या किसी और इस्लाम वगैरह किसी धर्म पे जरा टिप्पणी करके भी देख लीजिए, नाप देंगे ऊपर से नीचे तक आपको। ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है, ये विषय भारत की अस्मिता का है। ठीक है, 110 करोड़ हिंदुओं को नाश करने की बात करने वाला इस प्रदेश का एक डिप्टी सीएम है, मंत्री है, ये बहुत गंभीर विषय है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। हाँ। और ये पूरा घमंडिया गठबंधन के एक एक दल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन मुस्लिम लीग क्या कहता है? हाँ। कि इस देश में हिजाब है, किसका गठबंधन है वो, इसी घमंडिया का है। आरजेडी की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि सनातन में बहुत त्रुटियां है, मनोज झा का ऑफिशियल बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आपके सामने आके बोल रहे थे, अरे तो ममता बनर्जी को लगता है कि उनको दूर किए जाने की जरूरत है कि नहीं, बोलने ही नहीं है। नहीं, इसमें दो बातें हैं, एक तो है सनातन उन्मूलन, एक है कि अगर कुछ त्रुटियां हैं उनको दूर की जाए। ये तो दो अलग अलग बातें हो गई ना, ये दो अलग बातें हो गई ना अजय आलोक जी। अब रुद्राभिषेक करते हुए लालू प्रसाद यादव की तस्वीर सामने आई है। देखिए दो लालू प्रसाद यादव की तो बहुत जगह की तस्वीरें आई है, सावन में मटन बनाते हुए उन्हीं की तस्वीर आई है। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व तो बहुत बड़ा खतरा है, सैफरन टेररिज्म उनको दिखता है। ठीक है, ये एक के बाद एक हिंदू विरोधी बयान देके आप किसकी भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? ठीक है, आप क्यों इस देश में जो बहुतायत पे हिंदू हैं उन्हीं को आप डराना चाहते हैं? चाहते क्या है भाई? अखिलेश यादव क्यों नहीं निकाल रहे हैं अगर बड़े सनातनी बनते हैं? शिवसेना बड़ा हिंदू का दामन पकड़ने वाले, अभी तक उद्धव ठाकरे के मुंह से एक बयान नहीं निकला। मैं पूछ लेती हूं, मराठा आंदोलन पे तो रोज दिन चढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं। लोगों से पूछ लेती हूं, बोलिए अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद आनंद दुबे जी आऊंगे मैं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, सनातन धर्म का जो अपमान करे, जो उसके समूल नाश की बात करे, उसके साथ ये कैसा गठबंधन है आप लोगों का? मुझे 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 बोलने दीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बीच में नहीं टोकेंगे जैसे बीजेपी ने बोला है। देखिए, हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, कोई व्यक्ति अपना एक दृष्टिकोण रखता है, बुरा अच्छा ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन लोहिया जी क्या कहते थे? हम तो लोहियावादी लोग हैं। लोहिया जी तो कहते थे कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें सत्य है, अहिंसा है, दया है, क्षमा है। हम तो उसको मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय जहां करुणा की बात होती थी, जहां प्रेम की बात होती, यही तो सनातन है। तो सनातन को मानने वाले हम सनातनी हैं। और एक चीज आपको बता दूं, दूसरी बात, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न यहाँ जातियों के लोग रहते हैं, तो हम सबका सम्मान करने वाले लोग हैं, इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, ये तो करुणा का मतलब तो प्रतिशोध से लेते हैं और प्रेम का मतलब नफरत से करते हैं। ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये जब प्रेम और करुणा की बात करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। और दूसरी बात, किसी ने कोई बात कही है, वो अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, लेकिन आप इसको पूरे हर दल से हर व्यक्ति जो, मैंने तो नहीं जोड़ा, आपके नेता सतीश शर्मा जी गए मंदिर में, उन्होंने वहां पे हाथ हमारे जो मंदिर में शिवलिंग है वहां हाथ धोया, क्या हमने बोला? क्या हम भाई, ठीक है हमने उसकी आवाज उठाई, लेकिन वो हमारा एक मुद्दा है, लेकिन हम उस मुद्दे में राष्ट्र के मुद्दों जो हमारा क्या सवाल पूछा जा रहा है, कहां कहां भटक रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, कौन कहां हाथ धुलता है? जैसे इनके मंत्री जी की तस्वीर सामने आई है, वैसे ही लालू जी राबड़ी जी की तस्वीर सामने आई है, अलग अलग वो देखिए, वहां पर जो पंडित पुरोहित होते हैं वो किस तरह से पूजा उस पर नहीं जाते हुए मेन सनातन धर्म पर रहते हैं, उसके उन्मूलन की अगर बात की जाएगी तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कैसे लोगों के साथ फिर आप लोग क्यों खड़े हैं। अब मैं आनंद दुबे जी, जल्दी से आपकी भी टिप्पणी, उसके बाद अजय आलोक जी दोनों के सवालों का जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे जी, आपकी तो पूरी विचारधारा ही धर्म के आधार पर आगे बढ़ी है, फिर अभी आप लोग खड़े हैं उनके साथ या नहीं खड़े हैं, या आप भी बताएंगे मंत्री जी का व्यक्तिगत बयान है ये, और व्यक्तिगत कह देने से क्या किनारा हो जाएगा? आनंद दुबे जी, चित्रा जी नमस्ते, हम पहले भी कह चुके हैं, अब आपसे कह रहे हैं, सनातन धर्म हमें वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। ऐसे धर्म के बारे में यदि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर उस धर्म को एक बीमारी से तुलना करता है और उसे समाप्ति की बात करता है तो या तो मूर्ख है या बुद्धिहीन है, उसके ऐसे कथनी का हम निंदा करते हैं। एक एक घोर निंदा के साथ साथ हम उस पर दया भी दिखाते हैं कि तुम्हें सनातन के बारे में पता ही नहीं मेरे भाई, तुम यदि सनातन को जान जाते नहीं कहते, क्योंकि तुम भी किसी धर्म को जरूर मानते होगे। सनातन कहता है आप किस धर्म को मानते हो,
आप पशु पक्षी जानवर जीवाणु सबसे प्रेम करिए, मानवता की सेवा करिए। अरे तो ये बातें क्यों नहीं समझा रहे हैं आनंद दुबे जी? बाकी लोगों को ये बातें अगर समझ में आ रही हैं तो आपके गठबंधन के वो नेता हैं, क्यों नहीं समझा रहे हैं? एक दिन पहले स्टालिन आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए मंच पर खड़े होते हैं, अगले दिन सनातन के विरुद्ध इस तरह का बयान आ जाता है उनके बेटे का सामने। सीता जी सबसे पहले मुझे बोलने दीजिए। देखिए अगर आप बीच में रोक देंगी मेरी बात जनमानस तक नहीं पहुंचेगी। हम यही कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र से आते हैं, वो तमिलनाडु से आते हैं, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग है। सर अगर आप रीजनल पार्टियों की बात करके कहेंगे उनकी विचारधारा अलग हमारी अलग, तो फिर पूरी इंडिया की बात तो नहीं करेंगे ना आप लोग? फिर बोलिए कि अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, फिर इंडिया को क्यों लेकर आते हैं बीच में आप लोग? चित्रा जी, इंडिया गठबंधन में एक बात स्पष्ट हुई थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम एक गठबंधन बना रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के उनके जो काम करने का तरीका उसको हटाना है। अब आप ही बोल लीजिए चित्रा जी, मैं नहीं, मैं तो पलट के सवाल पूछूंगी ना आनंद दुबे जी। अगर आप लोग कहेंगे वो क्षेत्रीय पार्टी है, हम अलग पार्टी है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो फिर जनता को एक साथ होकर तस्वीरें दिखाने की क्या जरूरत है कि इंडिया के लोग यहाँ पर मंच हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, अब 60% देश की आबादी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो बताने की जरूरत नहीं है ना? तो मेरी पार्टी मेरी दोनों नहीं हो सकता है। ऐसे ही आप पलटकर अजय आलोक जी से सवाल नहीं पूछती। आपको पता है कि गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में अहमदाबाद के पास सालंगपुर धाम में हनुमान जी की प्रतिमा को अपमानित किया जा रहा है, वहां पर स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों के सामने उनको झुके हुए दिखाया गया है, पिछले कई दिनों से वहां आंदोलन हो रहा है, साधु संत धरने पर बैठे हैं। आप नहीं पूछेंगे बीजेपी के नेताओं से? अरे मैं पूछ लेती हूं आनंद दुबे जी, पहले तो सवाल की सरकार है, जवाब देंगे ना? हमारी भावनाएं आहत नहीं होंगी? हमारे हनुमान जी को कोई अपमानित करे हम दुखी नहीं होंगे? कहीं पर शिवलिंग के पास हमारे आराध्य के पास हाथ धोया जाएगा हम आहत नहीं होंगे? यहाँ वो समूल सनातन के उन्मूलन की बात कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता। संपूर्ण सनातन अजर अमर है, किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो सनातन की समाप्ति की। अनुराग भदौरिया जी, फिर आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं? और उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो कहते हैं भाजपा के पेट में इस मुद्दे पर दर्द क्यों हो रहा है? इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। वो बीजेपी पर इस तरह का कटाक्ष करते हैं, क्यों खड़े हैं फिर इस तरह के बयान के समर्थन में अनुराग भदौरिया जी? देखिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हम समाजवादी लोग लोहियावादी लोग हैं, लोहिया को मानने वाले लोग हैं। आप समाजवादी की बात करेंगे तो हम लोहियावादी लोग हैं, और लोहिया जी ने तो सनातन धर्म को बताया था सर्वश्रेष्ठ धर्म है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म जिसको बताया गया था, जिसके अंदर में मैंने पहले भी आपको बोला कि इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। क्या अगर कोई कोई व्यक्ति कहीं किसी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है तो उसको आप मैंने आपके बीच में नहीं टोका, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, आप सुन लीजिए, मैंने मुझे बोलने दीजिए। हमने कहा हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का, सभी जातियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, तभी हम समाजवादी हैं, तभी समाज के अंदर में हम हमेशा समान व्यवहार की बात करते हैं, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के उन्नति की बात करते हैं, हर व्यक्ति को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी सुन मेरी बात सुन लीजिए, मैं अभी बहुत सी चीजों पर आ सकता हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने बताया कि इनके तो कई नेता है जिन्होंने क्या क्या बोला है, दशरथ को उन्होंने राम का पुत्र नहीं बताया, इनके एक नेता निषाद जी है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता, कई नेताओं ने बोला है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं, समाज है ना, मैंने तो बोला किसने, इनके जो निषाद जी ने बोला, इनके निषाद जो मंत्री ने बोला था, बीजेपी के नेता नहीं, बता दीजिए, लेकिन उस पर इसलिए नहीं जाना चाहते, सुन लीजिए, मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता, अरे पूरे बोध तो लीजिए, मैं पूरी बात कह रहा हूं, मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ एक मुद्दों को लेकर चलती है, उस पर बताती है कि नहीं मैं ही हूं, अरे आप नहीं है, सनातन आप कहां से हो गए, हम सब उसी के आते हैं। भदौरिया जी, वहां तो मान अपमान की बात है, लेकिन यहाँ पर तो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही जा रही है। अजय आलोक जी, उनकी बातों पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए, बाकी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती वो, जो काफी ज्यादा है मैं जनता के लिए। पहली बात, ये लोग समझ लें कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हर भारतीय का मुद्दा है, जो हिंदू है, जो सनातन मानता है, उसका ये मुद्दा है, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये अनुराग भदौरिया, आपका भी मुद्दा होना चाहिए था, अफसोस आपका नहीं हो सका। आपने क्या कहा ओपनिंग में अनुराग भदौरिया,
अरे क्यों नहीं हो सकता? हमारी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, हर एक की अपनी विचारधारा। एक मिनट, एक मिनट, बीच में नहीं। अगर उस अगर डीएमके और स्टालिन की यह विचारधारा है कि वो सनातन समाप्त करना चाहते हैं, फिर आप गठबंधन में कैसे हैं अगर अपने आप को सनातनवादी कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोगलाई, इसको कहते हैं दुगली। आनंद दुबे जी, आपने कहा कि सनातन अजर अमर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कोई कुछ नहीं कर सकता है तो स्टालिन के पीछे पीछे आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं? क्यों नहीं स्टालिन को भी जवाब देते हैं उद्धव ठाकरे? चुप हो जाते हैं, सनातन भूल जाते हैं, हकलाने लगते हैं बोलने में अनुराग भदौरिया, और आप एग्रेसिव होने लगते हैं। हिंदू तो भूल गए अपना। अरे जब हिंदुत्व को खत्म करेगा, सनातन को खत्म करेगा, तो आप लोग भी खत्म हो जाओगे। ये देखिए, हरा कुर्ता बीच में बोल रहे हैं लगातार, ये सनातन है, ये हरा कुर्ता लगातार बीच में बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इनको। रोज दिन स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म धोखा है और उसको अपने पार्टी में, उसको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष बना के रखा हुआ है। ये कोई तरीका है ये? अरे ऐसे इतनी हिंदू धर्म से चिड़े भैया, तो छोड़ दो हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म छोड़ दो, हिंदू धर्म छोड़ दो, कोई और धर्म ज्वाइन कर लो, लेकिन ये हिम्मत मत करना कि जिस देश में रह के सनातन को नष्ट करने की बात करोगे। जवाब मिलेगा बहुत अच्छा। अनुराग जी की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, लगातार बीच में बोलेंगे, समझ में आएगा। प्लीज अनुराग जी, एक एक करके, ठीक है, ठीक है, अब मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। विनोद जी भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज प्लीज। अनुराग भदौरिया, सैयद अब्बास भी बैठे हुए हैं, जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए। अनुराग भदौरिया जी प्लीज। अरे ये आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ था, तो आप बोले थे वो महिला हमारे हिंदुस्तान की नहीं थी। जब महिला यहाँ पे जिस तरह से, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह हथरस की बेटी के साथ आने वाला था, क्या बोले थे? तब भी तो सवाल पूछा जा रहा है जी, इनको चुप करवाइए जी, महिला जो बेटा जी है, वो कौन है, इनको चुप करवाइए, बोले थे उनके लिए, ये बीच में लगातार बोलते रहेंगे, ये तरीका नहीं होता। अनुराग जी को ऑडियो डाउन कीजिए, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। अपनी बात को आगे बढ़ाइए जल्दी से, ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया, आपकी आवाज नहीं जा रही है यार। सैयद अब्बास जी से, सैयद अब्बास जी से भी एक सवाल जरूर पूछिएगा कि सनातन को खत्म करने की शुरुआत कश्मीर से हुई थी ना, अब क्या इसी एक्सपेरिमेंट को पूरे देश में करना है? क्या यही एजेंडा है घमंडिया का, एंटी हिंदू एजेंडा? क्योंकि श्रीनगर से और घाटी से कैसे हिंदुओं को मार मार के भगाया गया था, कंप्लीट जेनोसाइड किया गया था, वो तो हम जानते हैं। उसको कहते हैं सनातन खत्म करना, वैसे ही सनातन नष्ट करना चाहते हैं इस देश से? ये जरा सैयद अब्बास जी स्पष्ट करें, कश्मीर से आते हैं, ठीक है, वो हाथ भी उठा रहे हैं। सैयद अब्बास जी, उनके सवाल का आप जवाब दीजिए। और ये कौन सी भाषा है, सनातन धर्म का उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें जाकर मंत्री हैं वो एक राज्य के, इस तरह का बयान क्या दिया जाना चाहिए उनकी ओर से? धर्म को लेकर इस देश का संविधान भी सबको आजादी देता है, लेकिन एक मंत्री की ओर से जो उसी संविधान की शपथ लेकर जनता के लिए काम करने का वचन लेता है, वो इस तरह का बयान देगा सार्वजनिक कार्यक्रम में? सैयद अब्बास जी, चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं और डीएमके का समर्थक नहीं हूं। और रही जो सवाल जो मेरे काबिल दोस्त और मित्र अजय आलोक साहब मेरे से पूछ रहे हैं, अरे भाई साहब आप समझिए तो सही। सबसे पहली बात, सनातन क्या है? मैं समझता हूं सनातन दया करुणा अहिंसा की बात करता है। उदयनिधि जो बता रहे हैं वो उनकी जो एक समझ है उसके हिसाब से बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरी खुली चुनौती है, ओपन चैलेंज है अजय आलोक और ये भाजपा से, एक बयान दिखाइए मुझे उदयनिधि का जहां पर उन्होंने हिंदू नरसंहार की बात की है, एक बयान दिखाइए उन्होंने जहां कत्लेआम की बात कीजिए। आपको बस फेक न्यूज चलाना है। उन्मूलन का क्या मतलब होता है सैयद अब्बास जी? उन्मूलन का क्या मतलब होता है? उन्मूलन का क्या मतलब होता है? समापन, समाप्त कर देना ही होता है, उन्मूलन का क्या मतलब होता है? जो बयान उनकी ओर से दिया गया मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने कहा है सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, सनातन का विरोध नहीं किया जा सकता, उसे खत्म कर देना चाहिए, डेंगू मलेरिया कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता, हमें सनातन को मिटाना है, और क्या बाकी रह गया है अब? तो मैं जॉब, एक लड़के को आप लोग एक बयान की वजह से बिहार से ले जाकर तमिलनाडु की जेल में बंद करके रखते हैं, और यहाँ पर इस तरह का बयान आपके मंत्री की ओर से दिया जाता है। सुनिए चित्रा जी, सुनिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लाजिम है। आप कह रहे हैं समाप्त, सोच को समाप्त करना। मैडम आपकी हिंदी वोकैबुलरी काफी ज्यादा है, क्या समाप्त का मतलब नरसंहार है? क्या बात कर रहे हैं आप चित्रा जी? समाप्त का मतलब नरसंहार तो नहीं है, लेकिन समाप्त का मतलब खत्म कर दिया जाना बिल्कुल है। नरसंहार करना नहीं, नरसंहार नहीं, लेकिन खत्म कर दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री इस तरह से कैसे बोल सकता है किसी भी धर्म के बारे में? आप क्या समाप्त,
सुनिए, आपके समाप्त को पर्यावरण पे जवाब नहीं दिया भाग गए। आप कैसे कश्मीर से हिंदुओं को मारा गया उस पे जवाब नहीं आया। चुनौती है, मेरा ओपन चैलेंज है। सनातन की जगह किसी दूसरे धर्म का नाम होता तो क्या हो रहा होता इस वक्त हिंदू सैयद अब्बास जी? पहले समझिए भाई साहब, ये झूठे बयान मत कीजिए। अगर आपकी सोच में समाप्त करना मतलब नरसंहार है, ये आपकी सोच है, उस सोच को समाप्त कीजिए भाई साहब। कश्मीर में जो सैयद अब्बास सनातन की जगह किसी और धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या उसे समाप्त के पहले आप कर सकते हैं? पूरी जी चित्रा जी सुनिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई मजहब हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो, सबका आदर सम्मान होना चाहिए। तो ये बातें क्यों नहीं समझा रहे उस मंत्री जी को आप? ये कि सनातन क्या है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी बात सुनिए, 30 सेकंड दीजिए। उदयनिधि स्टालिन को खुद समझना चाहिए कि सनातन हिंदू धर्म के आदर के बारे में बात करता है, सम्मान के बारे में बात करता है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बात करता है, और उसके साथ साथ भाजपा को मेरा ओपन चैलेंज स्वीकारना चाहिए और कबूल करना चाहिए कि वो झूठी फैक्ट्री चला रहे हैं। कोई हिंदू नरसंहार की बात नहीं हुई है, जिनोसाइड की बात नहीं हुई है, कत्लेआम की बात नहीं हुई है। बंद कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, आपकी नफरत की राजनीति। कश्मीर में क्या किया था हिंदुओं के साथ? बंद कीजिए भाई साहब, कश्मीर पे बोलने में ज़बान क्यों लड़खड़ा रही है? वो बयान चला, कश्मीर भूल गए क्या? अजय आलोक बयान चला, भूल गए का है वो बयान? कश्मीर नहीं याद आ रहा है ना? उदयनिधि ने नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा, कश्मीर याद नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल की शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। बंद कीजिए मेरे भाई, मॉडल की शुरुआत तो वहीं से हुई थी, सनातन उन्मूलन अभियान तो कश्मीर से ही शुरू किया था ना। बात कीजिए अच्छे मजहब की, बात पहुंच गया कन्याकुमारी, अच्छे उसूलों की बात कीजिए। कन्याकुमारी पहुंच गया ना, कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गया तमिलनाडु। कीजिए सनातन उन्मूलन कश्मीर से ही शुरू किया था ना, कश्मीर पे नहीं जवाब देंगे सैयद अब्बास जी। लेकिन क्या इस तरह की बातों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? एक धर्म विशेष के खिलाफ एक मंत्री इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कैसे कर सकता है? और बाद में हालांकि उनकी ओर से जरूर लीपापोती करते हुए विनोद बंसल जी, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने की बात मेरी ओर से कही गई, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। विनोद बंसल जी, चित्रा जी एक सेकंड उनकी बात हो जाए, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। विनोद बंसल जी, चित्रा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप सभी ये सभी राजनीतिक और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में मैं एकमात्र। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद विनोद जी अपनी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। दिल्ली में उदयनिधि के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, इसके पहले बिहार में भी दर्ज हो चुकी है शिकायत। संसद मार्ग थाने में राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सनातन धर्म को लेकर उनकी ओर से जो टिप्पणी की गई उसको लेकर अब उनके खिलाफ मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन की ओर से ये कहा गया कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, सनातन का विरोध नहीं किया जा सकता, उसे खत्म कर देना चाहिए। डेंगू मलेरिया कोरोना से तुलना करते हुए उन्होंने कहा इसका विरोध तो हम नहीं कर सकते, हमें सनातन को मिटाना है, इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, जिसके बाद संसद मार्ग थाने में राजधानी दिल्ली में अब उदयनिधि के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अपनी बात को आगे बढ़े विनोद बंसल जी, उनका यह कहना है कि दरअसल मैं तो कुरीतियों की बात कर रहा था, इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आई, असमानता की वो बात कर रहे हैं सनातन धर्म के भीतर कि जो असमानता को बढ़ावा दे उसको खत्म किए जाने की जरूरत है। चित्रा जी इनके क्लेरिफिकेशन में भी साफ साफ इस बात का दंभ है कि हाँ मैंने ये बात कही, अडिग होकर के कही कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए, और उन्होंने अपने लेक्चर के ओपनिंग रिमार्क में कहा था। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है स्टॉप सनातन न रख करके इरेडिकेट सनातन रखा है। आप देखिए कि अब मानसिकता क्या है, लिख करके लाए, किसी ने लिख के तो दिया ना जी। और वो जो मुंबई में जो कुछ हुआ था उसके मुश्किल से 48 घंटे में हुए थे, 24-48 घंटे के बीच में ये बात हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने लिख के तो दिया उनको। एक युवा और युवा खेल मामलों का मंत्री, एक मुख्यमंत्री का पुत्र और दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष का पुत्र और तीसरा जो कांग्रेस के भूतपूर्व जो वित्त मंत्री है उनका पुत्र, ये सब एक लैंग्वेज में बोल रहे हैं, और ऊपर से इनकी पार्टियां कह रही हैं कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए कि एक गठबंधन देखिए कि एक दूसरे का कितना जो सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पैनल में बैठे हुए जितने भी राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिज्ञों से, क्या अभी आप यहाँ पर डिबेट में बैठ के तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर आपने निंदा की? क्या कोई प्रेस स्टेटमेंट आपके मंत्री आपके अध्यक्ष ने जारी किया? क्या आपको धरना प्रदर्शन किया? क्या आपने कहा कि इरेडिकेट सनातन का मतलब है कि मेरा भी उन्मूलन करोगे आप? और जिस तरह के कुतर्क घड़े जा रहे हैं, अगर किसी और के बारे में कहा होता तो सरतन से जुदा हो जाता घंटे भर के अंदर ही, वो कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सनातन की सहिष्णुता
और सनातन की जो उसको जो जो सहनशीलता है ना जी, उसको भीरुता ना समझी जाए, ये बड़ा स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए हमको। एक बात और तीसरा ये बात बताइए कि ये जिस तरह से डीएम के और द्रविड़ संस्कृति को भारतीय संस्कृति से अलग करने की जो कोचेष्टा कर रही है, ये इनमें सफल नहीं होने वाले। हमारे अनेक ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स जो दक्षिण भारत के एक राज्य में जन्म ले रही है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म और इससे बिल्कुल अलग ले जाते हुए अपनी ही लाइन को अख्तियार करना, ये सब कुछ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कवायद है क्या सैयद अब्बास जी? और इसके जरिए क्या बड़ा नुकसान नहीं होगा देश का? ये स्वीकार नहीं हो सकता चित्रा जी। मैं आपको सबसे पहले तो ये विनोद बंसल जो महाशय बैठे हैं यहाँ पर उनको एक्सपोज कर देता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़कर जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, जो भी हिंदू आतंकवाद बोलता है उसकी निंदा करता हूँ। अरे सुनिए, जो भी हिंदू नरसंहार की बात करता है मैं उसकी निंदा करता हूँ। अभी भाई साहब, क्या आप उन सब स्वामी संतों का निंदा करेंगे जो मुसलमान नरसंहार की बात करते हैं? क्या आप भी कर सकते हैं ये बात? किसने कहा है? चुनौती है। किसने कहा है? नाम बताइए सैयद अब्बास जी। हमने नहीं कहा रेडिकल। किसने कहा है? नाम बताइए। हम कभी नहीं कहते। हरियाणा की स्पीच आप भूल गए? हरियाणा में जो स्पीचेस चले थे चित्रा जी, आपके खुद के चैनल ने चलाए हैं। अरे आप नाम बताइए, बताइए ना, यहाँ तो उदयनिधि का नाम है, आप नाम बताइए ना कि किसने कहा। और कोई भी अगर इस तरह का बयान देगा उसकी आलोचना होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो इस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस तरह से वो हास नहीं कर सकता है। और इतने पे भी कुतर्क दिया जा रहे हैं उनकी ओर से। हाँ तो नहीं कर सकता, तो आप क्यों बचाव कर रहे हैं उसका? अब बोलिए कि गलत बोला है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूँ सुनिए चित्रा जी, मैं बिल्कुल भी बचाव नहीं कर रहा हूँ सुनिए। जैसे कि मैं आपके शो पर आपके चैनल पर उन सभी लोगों का कड़ी निंदा कर रहा हूँ मैं जो मुस्लिम नरसंहार की बात करते हैं या फिर हिंदू नरसंहार की बात करते हैं। नरसंहार शब्द ही अपने आप में ऐसा है कि चारों तरफ इसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन इसे आगे बढ़ते हुए मैं अब बाकी मेहमानों को लेकर आना चाहूंगी। अजय आलोक जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक सेकंड सर। अजय आलोक जी, लेकिन जब दोबारा पत्रकार जाकर उदयनिधि से इस बारे में सवाल पूछते हैं तो उनकी ओर से जो जवाब आता है मैं आपको अक्षरशः सुना देती हूँ। वो बोलते हैं, मैंने सिर्फ सनातन विचारधारा को खत्म करने की बात कही है, ये कहता रहूंगा। कुछ लोग बचकानी बातें बोल रहे हैं, वो आप लोगों के लिए है। मैं जनसंहार के लिए उकसा रहा हूं, ये बचकानी बातें कुछ लोगों की ओर से बोली जा रही हैं। उसके आगे वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि कांग्रेस कैडर को पकड़ना और मारना है? अजय आलोक जी, कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है चित्रा जी। कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस के शासन से भारत को मुक्त करना है। कांग्रेस उन्मूलन कभी प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि कांग्रेस उन्मूलन, ये कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने कि जिस तरह से डेंगू मलेरिया कोरोना को खत्म करना है उसी तरह से सनातन को खत्म करना है, ये नहीं कहा कि उसी तरह कांग्रेस को खत्म करना है। तो ये अपने तर्कों को अपने कुतर्कों के पीछे छिपने की एक बेहुदा कोशिश है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है और किसी पे नहीं, मैं शिवसेना पे आश्चर्य कर रहा हूं कि कल से गला चीख रहे थे मराठा आंदोलन और सनातन पे इतनी बड़ी बात हो गई। इनको हिम्मत नहीं है इस घमंडिया अलायंस में ये बोलने के कि डीएमके से हमारा कोई नाता नहीं, इनको हिम्मत नहीं है। ये है इनका हिंदू चरित्र, ये इनका हिंदू चरित्र सामने शीशा देके उद्धव ठाकरे को देखना चाहिए। आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते ना कहते कि जबान काट लूंगा वहीं पे जो जिसने भी ऐसी बात बोली है, लेकिन इनकी मर्दानगी खत्म हो गई है, इनके अंदर वो आग नहीं बची है। आज हर भारतीय हर हिंदू को इस बात पे पीड़ा है कि ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो अपने आप को एथिस्ट कहता है, कहने को हिंदू लेकिन कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, और उसके बाद वो सनातनी की बात करता है। और जब सनातनी की बात करता है कहता है द्रविड़ कल्चर सनातन कल्चर से अलग है। जिसको ये समझ में नहीं हो वो ऐसे ऐसे लोग निरामिष लोग इस देश में मंत्री बन के बैठे हुए हैं और ऐसे चल रहा है प्रदेश, हरा कुर्ता यहां बैठे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं उनकी विचारधारा है। अरे किसी की विचारधारा अगर सनातन खत्म निर्मूलन की है तो उस विचारधारा को आप गोद में लेके घूमेंगे और कहेंगे कि हम सनातन को मानने वाले लोहियावादी हैं। ये होती है दोगली राजनीति का उदाहरण जो इस घमंडिया ने किया है, और ये घमंडिया का प्लान्ड एकदम प्लान्ड एजेंडा है। ये आप एक सर्टेन वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए ये भाषण दिया गया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसे सेकंड किया है। प्रियंका खड़गे का बयान इस बात की तस्दीक करता है, ठीक है, और अब इससे नुकसान न हो जाए तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उधर अशोक गहलोत राजस्थान में इसे अपने आप को किनारा कर रहे हैं। वैसे नहीं चलेगा ना, ठीक है, जो गांधी कहे वही सही। ये पूरा ब्रेन चाइल्ड कांग्रेस पार्टी का है।
आनंद दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले जॉर्ज कुरियन जी, वो कह रहे हैं पूरा ये जो ब्रेन है इसके पीछे वो गांधी फैमिली का है, इस पर भी आप जवाब दीजिए। और क्या कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र जॉर्ज कुरियन जी इस पर सामने नहीं आया है कि दक्षिण में प्रियांक खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं वो उदयनिधि के बयान का समर्थन करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम और बाकी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से कहा जाता है नहीं नहीं सनातन धर्म के तो हम तो हिमायती हैं, हम इसको लेकर आगे चलना चाहते हैं। तो दक्षिण में कोई और सुर, उत्तर में कोई और सुर, ये दोहरा चरित्र चलेगा क्या? चित्रा जी, मैं दोबारा आपके दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रियंका खड़गे जी का बयान को इंडिया गठबंधन से जोड़ा ना जाए, वो उनका व्यक्तिगत राय है और इसके इसका सभी निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी एआईसीसी के अध्यक्ष लोग ने इसका निंदा किया है और ये जरूर है कि उन्होंने उनकी चिंता जाहिर किया है कि सभी मनुष्यों को समान महत्व नहीं दिया जाता है सनातन धर्म, अगर ऐसा नहीं है तो वो उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। अरे समूल नाश की बात थोड़ी ना करेंगे जॉर्ज कुरियन जी, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उनके साथ एक मंच पर खड़ा होने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति इस तरह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेगा, आप उसके साथ मंच शेयर करेंगे, तो इसकी सीधी सी बात है ना कि उस विचारधारा को आप आगे लेकर जा रहे हैं। यही आइडिया ऑफ इंडिया है क्या? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है हम, सबकी अपनी अलग खुशबू है, इस तरह की बातें अगर आपकी ओर से की जाएंगी, इस तरह के फूलों के गुलदस्तों को आप पूरे देश में बांटते हुए फिरेंगे, पलट के सवाल नहीं पूछा जाएगा, और अभी तक तर्क की बजाय कुतर्क करते हुए वहां पर मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस के ओर से केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्टीकरण दिया है, बिल्कुल भी ये इससे सहमत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट मिला है प्रियंका खड़गे जी हो या उदयनिधि स्टालिन हो, उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। दोनों मंत्री हैं, प्रियंका खड़गे मंत्री हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में वो मंत्री हैं, संविधान की शपथ, जिस संविधान की शपथ लेकर ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उस संविधान की मूल प्रति को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी भगवान श्री राम है, राम दरबार है, उसमें भी भगवान कृष्ण आपको दिखाई दे जाएंगे, और उसी सनातन को खत्म करने की बात इन लोगों की ओर से कही जाएगी। क्या संविधान पढ़ रखा है इन लोगों ने? क्या ये संविधान पर हमला नहीं माना जाए? क्या पढ़ा है इन लोगों ने? इतने बड़े बड़े नेता हैं ये, इतने बड़े बड़े परिवारों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये। बोलिए जॉर्ज कुरियन जी, आपसे ही सवाल है ये। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि उनका बयान कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाए, उनका व्यक्तिगत बयान है, उसका निषेध भी किया गया है सभी की ओर से, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पता चल गया आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। विनोद बंसल जी, जल्दी से उनकी आवाज दीजिए, आपको कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। विनोद बंसल जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो बार बार व्यक्तिगत बयान कहकर के अपना पल्ला झाड़ देते हैं और कांग्रेस की उसी मानसिकता के तहत बयान दिए जाते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कुरियन हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। आप देखिए लगातार ये हिंदुओं और हिंदुत्व पर, हिंदू मानवबिंदुओं पर, हिंदू धर्मस्थलों पर, हिंदू धर्म ग्रंथों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू समाज है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सारे को सहन कर रहा है। आखिरकार सहन करने की भी कोई सीमा होती है मेरे बंधुओं? ये ध्यान रखना, राजनीति करना आपका काम है, लेकिन ये क्षुद्र तुच्छ राजनीति जो भारत की आत्मा पर हमला करे, ये बहुत घृणित राजनीति जो सनातन पर हमला करे, वो आप देश के अंदर स्वीकार नहीं होगी। अरे लेकिन अगर वो कुरीतियों की बात कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे विनोद बंसल जी? कि अगर कहीं कुछ कुरीतियां बनी हुई हैं उसको दूर किए जाने की जरूरत है, तो इसका तो स्वागत होनी चाहिए ना अगर कुरीतियां हैं तो। चित्रा जी, मैं कहता हूँ कुरीतियों को खत्म करने के लिए तो सनातन ही है जो सबसे आगे रहता है। आप मुझे बताइए, इस्लाम की कोई कुरीति आज तक समाप्त हुई क्या? क्या क्रिश्चियनिटी की कुरीति समाप्त हुई क्या? मैं गिनाऊंगा उतनी कुरीतियों को, और उन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए क्या सनातन का समूलनाश कर दोगे क्या? ये मानसिकता है क्या? आप मुझे बताइए, विश्व भर का हिंदू समाज इस स्टेटमेंट से बेहद आहत है, और यह इकलौता स्टेटमेंट नहीं है चित्रा जी। मैं आपको बता दूं, एक बार हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगाने के लिए उस पर आशुका लगाई जाती है, और दूसरी तरफ जो रामचरितमानस को बैन करने की बात की जाती है उस पर उसकी प्रतियां फाड़ी जाती है, राम पर अभद्र टिप्पणियां की जाती है, माता सीता पर अभद्र टिप्पणियां की जाती है, और कांग्रेस के जो आला कमान है वो तो कह देती है राम तो हुए नहीं। इस तरह की बातें जब लगातार होंगी, भगवान राम और राम सेतु के बारे में किस तरह की कल्पना लोगों ने की है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी गठबंधन है, ये बोलना चाह रहे हैं विनोद बंसल जी? लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ की ओर से तो कहा जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र के हिमायती हैं।
ये राष्ट्र विरोधी गठबंधन है। हाँ। हिंदू विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी गठबंधन। जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। इनको भारत से विदा करने का समय आ गया है। उसके पहले आनंद दुबे जी, एक बार आनंद दुबे जी, अनुराग भदौरिया, जल्दी से अजय आलोक जी को कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अजय आलोक जी, अजय आलोक जी हाथ उठा रहे थे, आनंद दुबे जी उसके बाद में आ रही हूं, एक लाइन में बोलिए जल्दी। ठीक है, ये लोग अभी 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 हमारे जॉर्ज कुरियन साहब कह रहे थे कि ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है, ठीक है मान लिया। खड़गे जी का बयान तो ऑफिशियल बयान मानिएगा ना, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का, उन्होंने ये ऑफिशियल बयान दिया था कि नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर दोबारा पीएम, फिर से तिवारा पीएम बन गए तो इस देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है। क्या इससे आप सहमत हैं? क्या इस देश में सनातन धर्म का राज नहीं है, सनातनी राज नहीं है? सनातन तो लोगों के दिल में, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, अब कौन सा ऑफिशियल चाहिए आपको? इसीलिए किसी चीज के पीछे छिपा मत कीजिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑफिशियल बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। किस धर्म का राज चाहते हैं भाई, किस धर्म का राज चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? बोलिए जॉर्ज कुरियन जी, बता दीजिए, वो भी अपनी मंशा स्पष्ट खड़गे जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं आलोक जी आप, बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है सर्व धर्म सम्मान की बात करती है, हर एक मनुष्य को न्याय मिलना चाहिए इस देश में, इसकी इसकी हम लोग आलोचना करते हैं। अरे तो सवाल यह है, कहा जा रहा है कि धर्म विशेष अगर समानता और न्याय की बात नहीं करता है तो ऐसा धर्म नहीं चाहिए, तो वो कौन सा धर्म है जो समानता और न्याय की बात करता है? आपको उसके बारे में बताना होगा। 85% सनातन हिंदू आबादी वाला जो मुल्क है, इस तरह का बयान दिया जा रहा है यहाँ पर, और बयान देने के बाद आदमी खिसक भी लेता है, फिर उसके बाद कहा जाता है तोड़ मड़ोड़ कर मीडिया में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अनुराग भदौरिया और आनंद दुबे दोनों लोगों की बात एक बार जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, पहले आपके पास आते हुए, अब तो पलट कर यूपी में जवाब देना पड़ेगा, एक तरफ आपके स्वामी प्रसाद द्वारे आप लोगों के लिए मुश्किलें किए हुए हैं सनातन धर्म पर, ऊपर से दक्षिण में जिसके साथ खड़े हैं उसके लिए ये परेशानी। अरे सुन तो लीजिए, मैंने आपसे बोला ना कि देखो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम समाज के अंदर में जोड़ने का नहीं है। ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पलट के जब पूछा इनसे कि हमने तो पहले बता दिया कि हमारा जो धर्म है वो तो वासुदेव कुटुंब की बात करता है, हम लोग तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इनसे पूछिए ना कि जब मणिपुर की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था तो क्या वो अपनी हिंदुस्तानी बेटियां नहीं थी? तब इन्होंने जवाब नहीं दिया। आज लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। जब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तब ये कहां थे? पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तो क्या हमारी हिंदुस्तान की बेटियां नहीं थी? किस धर्म से वो बेटियां आती थी? मैं पूछना चाहता हूँ, लखीमपुर में बेटी के साथ अन्याय हुआ था तब हम हल्ला मचा रहे थे, तब इनको याद नहीं आई थी कि वो बेटियां किसकी हैं? जब जब उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब भी मैं हल्ला मचाया था? हाथरस की बेटी थी तो कहां की बेटी थी? किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली बेटी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाली महिला हो, हम इस मामले में धर्म देखेंगे क्या कि वो कौन से धर्म से आती है कौन से नहीं। अभी जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है अनुराग भदौरिया जी उस पर रहते थे, जल्दी से हम बिल्कुल जी यहाँ पर आपको बोले नहीं देना तो आप बोल दीजिए कि नहीं बोले देना विपक्ष को, मुझे अपनी बात चलानी है। वो कश्मीर पर चले गए, आप अगर बीजेपी धर्म के आधार पर कहेंगे कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए तो मैं विरोध करूंगी। ये बेटियों के अत्याचार के मामले में धर्म का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। आनंद जी जल्दी से बात कहिए। चित्रा जी सबसे कम समय मुझे मिला, अभी मुझ पर और हमारी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे थे कि हम कुछ बोल नहीं रहे जी। अरे भाई जैसे अजय आलोक जी आप बीजेपी के नेता इस मंच पर बैठे हैं, मैं अपनी पार्टी शिवसेना का नेता बनकर यहाँ बैठा हूँ, खुले आम विरोध कर रहा हूँ कि जो स्टालिन ने कहा है हम उसका विरोध करते हैं, उसका बयान निंदनीय है। हो सकता है कि उसके पास बुद्धि नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, उसे सनातन के बारे में जानकारी नहीं हो, यही पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धि नहीं है, मंत्री है भाई, मैं वही कह रहा हूँ चित्रा जी। तो अजय आलोक जी आप मुझे बात बताइए, क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा कहूं कि आप बोले कि वाह। चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ है चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सनातन धर्म को लेकर ये जो गैर जरूरी बयान दिया गया है इसको लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है, आगामी चुनावों में भी क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा? कम से कम कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की ओर से लगातार इस बयान से किनारा किया जा रहा है, लेकिन मंच जब एक होगा, पार्टी के बड़े चेहरों के साथ तालमेल होगा, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि सनातन धर्म पर विपक्षी इंडिया का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अब इस पूरे मामले में आगे जो कुछ भी होगा उस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।